एसआई न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज सोनाली स्पेशल प्रोग्राम में। आप जानते हैं बॉलीवुड की ऐसी दीवा सोनाली बेंद्रे अपनी जिंदगी की एक ऐसी लड़ाई को लड़ रही है मानो जिससे हर कोई ये चाहता है कि ये जंग जीत कर वापस आए। सोनाली बेंद्रे ने अपनी इस बीमारी के बारे में निडर होकर सबके सामने बताया, खुल के उन्होंने खुद ट्वीट किया और फिर फैन से भी साझा किया कि सोनाली बेंद्रे काफी ज्यादा इस टाइम ऐसे दौर से गुजर रही हैं जो यकीनन जब ये ट्वीट हर किसी ने पढ़ा तो हर कोई शॉक्ड रह गया कि आखिरकार बॉलीवुड की ये दीवा को कैंसर कैसे हो सकता है। कैंसर अपने आप में ही एक ऐसा खतरनाक शब्द है, एक ऐसे खतरनाक वर्ड है जिसको सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है, जिसको सुनते ही मानो हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। तो वहीं कैंसर का शिकार सोनाली बेंद्रे हो गई। जैसे ही सोनाली बेंद्रे की ये खबर सामने आई तो पता लगा कि सोनाली बेंद्रे फॉरेन ही अपनी इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए न्यूयॉर्क चली गई हैं। जी हाँ, न्यूयॉर्क में जाते ही उनका फॉरेन ही ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहीं हाल ही में सोनाली बेंद्रे की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें सोनाली खुद अपने बालों को कटवा रही थी। आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि जहां पहले वो ट्वीट का जवाब भी दे रही थी, जहां पे जब बी टाउन का हर एक सदस्य उन्हें ट्वीट कर रहा था तो वो हर किसी के ट्वीट का जवाब देती दिखी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जहां उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो को शेयर किया है अपने बाल कटने के बाद, उसके बाद सोनाली का कोई पोस्ट सामने नहीं आया है। जी हाँ, जहां पे फैंस को उम्मीद है कि सोनाली बेंद्रे बेहद ही जल्द वापस मुंबई लौटेंगी, तो आपको बता दें सोनाली बेंद्रे इतनी जल्दी मुंबई नहीं आ पाएंगी न्यूयॉर्क से, क्योंकि कीमोथेरेपी जहां उनका ट्रीटमेंट ये शुरू हो चुका है तो कीमोथेरेपी वो बार बार लेंगी, जिसके चलते डॉक्टर्स जो है सोनाली के कैंसर को जड़ से खत्म करेंगे। क्या पूरी रिपोर्ट है आप देखिए हमारे इस खास पेशकश में। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे जो हमेशा से अपनी बेहतर एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं, सोनाली बेंद्रे, मगर अचानक से उनसे जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि सोनाली बेंद्रे इतनी गंभीर बीमारी से भी जूझ सकती हैं, या इस कदर वो उनको इतना दर्द भी सहना पड़ेगा, ये किसी के ख्वाब में भी कभी नहीं आया था। अचानक से हंसती खेलती सोनाली बेंद्रे ने एक ट्वीट शेयर किया और उसके बाद हर कोई उनके लिए दुआएं करने लगा। वो ट्वीट कुछ इस तरह था जहां पे सोनाली बेंद्रे अपने कैंसर के बारे में बताती हुई नजर आ रही थी, जहां पे सोनाली बेंद्रे ने बताया कि वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक भी है। उन्होंने कहा कि मेरे को हाई ग्रेड कैंसर हो गया है, मगर मैं दुआ करती हूँ कि मैं बेहद ही जल्द ठीक होंगी और फैन से भी यही कहूंगी कि वो मेरे लिए दुआएं करें। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं और साथ ही साथ मैं इससे काफी ज्यादा खुश भी महसूस करती हूँ। आपको बता दें जैसे ही ये खबर सामने आए तो मानो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर कोई बस यही जानना चाह रहा था कि आखिरकार सोनाली बेंद्रे कैंसर का शिकार कैसे हो सकती हैं, क्योंकि सोनाली बेंद्रे अपने आप को काफी ज्यादा फिट रखती थी, काफी ज्यादा ही डाइट कॉन्शियस भी रहती थी। अचानक से सोनाली बेंद्रे को इतनी गंभीर बीमारी हो गई, हर कोई परेशान हो गया। आपको बता दें जैसे ही इस बीमारी का पता चला तो सोनाली बेंद्रे कैंसर का इलाज करवाने के लिए फॉरन ही न्यूयॉर्क चली गई और न्यूयॉर्क में उनका इलाज भी किया जा रहा है। हाल ही में कुछ दिनों पहले सोनाली बेंद्रे की एक ऐसी वीडियो सामने आई थी जो वीडियो काफी ही दर्द देने वाली थी, काफी ही इमोशनल कर देने वाली थी। दरअसल उस वीडियो में खुद सोनाली बेंद्रे अपने लंबे बालों को कटवाती हुई नजर आई। जी हाँ, ये अपने आप में एक ऐसा दर्द है जहाँ इंसान रो भी नहीं सकता और मुस्कुराने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता। आप वीडियो में देख सकते हैं किस कदर सोनाली बेंद्रे अपने आंसुओं को छुपाती हुई नजर आ रही हैं। उनके चेहरे का दर्द मगर उनकी आंखें हर चीज बयां कर रही हैं। कहते हैं कि इंसान कितना भी कुछ क्यों ना छुपा ले, मगर उनकी आंखें और उनका चेहरा हर चीज को बयां कर ही देता है। ऐसा ही कुछ सोनाली बेंद्रे के साथ भी इस वीडियो में हुआ।
मगर हर बार ही सोनाली बेंद्रे काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। मगर हैरानी की बात ये है कि जहाँ पे सोनाली बेंद्रे को जब हाइब्रिड कैंसर हुआ था, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर फैन से हर चीज को साझा किया, सोशल मीडिया पर तमाम बातों का भी जिक्र किया और फिर वीडियो को शेयर किया। मगर अचानक से इस वीडियो के बाद से सोनाली बेंद्रे ने अब तक कोई भी पोस्ट नहीं शेयर किया है, जो अपने आप में काफी ही हैरान करने वाला है, तमाम सवाल उठाने वाला है, तमाम चिंताओं को भी लेकर आ रहा है। दरअसल फैंस भी ये दुआ कर रहे हैं कि सोनाली बेंद्रे जल्द ही भारत लौटे, पर आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे इतनी जल्द भारत नहीं आ पाएंगी, क्योंकि सोनाली बेंद्रे इन दौरान कीमोथेरेपी से गुजर रही हैं। बाल कटने के बाद नेक्स्ट स्टेप कैंसर का कीमोथेरेपी ही होता है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि डॉक्टर्स सोनाली बेंद्रे को न्यूयॉर्क से तब तक भारत नहीं आने देंगे जब तक उनका कैंसर कीमोथेरेपी के थ्रू पूरी तरह जड़ से नहीं निकल जाता। जो फैंस उनका इंतजार बेसब्री से इंडिया में कर रहे हैं, मुंबई में बैठे कर रहे हैं, उन्हें और इंतजार करना होगा, क्योंकि दिन ब दिन सोनाली बेंद्रे अब तक अपने हाल को खुद बयां कर रही थी, मगर लास्ट वीडियो के बाद उनका कोई भी वीडियो सामने या कोई भी पोस्ट सामने अब तक नहीं आया है, जो कहीं ना कहीं तमाम सवालों को उठा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी इसको लेकर चिंता हो सकती है कि सोनाली बेंद्रे ने अब तक किसी ट्वीट को दोबारा से ट्वीट कोई क्यों नहीं किया। आपको बता दें, हम यही आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप भी सोनाली बेंद्रे के लिए दुआएं करें, आप भी सोनाली बेंद्रे के लिए आए दिन ये दुआ करें कि वो बेहद ही जल्द न्यूयॉर्क से जो जिंदगी की जंग को लड़ रहे हैं वो जंग जीत के ही भारत लौटे। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा सोनाली स्पेशल में, जहां पे हम बात कर रहे हैं सोनाली बेंद्रे को लेकर। सोनाली बेंद्रे अक्सर ही अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी बेहतर अदाकारी के लिए भी जानी जाती थी। सोनाली बेंद्रे एक ऐसी खूबसूरत दीवा रही है जो भले ही फिल्मों से गायब हो, मगर बेहतर तरीके से वो लाइमलाइट का कारण अक्सर ही बनी रहती थी। सोनाली बेंद्रे हर बारी इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट या फिर ऐसी फोटो को शेयर करती थी जिससे मानो वो फैंस के बीच काफी ही ज्यादा इंटरैक्ट भी होना पसंद करती थी। जब ये खबर सामने आई कि सोनाली बेंद्रे हाई ग्रेड कैंसर से जूझ रही हैं, तब मानो हर कोई उनके लिए दुआएं कर रहा है। तमाम तरह के बी टाउन के सदस्य, उनके दोस्त, कई लोग उनसे मिलने के लिए न्यूयॉर्क भी गए, तो वहीं कई लोग उनको आए दिन ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। मगर हैरानियत की बात तो ये है कि जहां पर सोनाली बेंद्रे ने अपनी लास्ट वीडियो को तो शेयर किया, जहां पे वो अपने बाल कटवा रही थी, मानो अब के बाद थोड़ा गैप आ गया है। कहीं ना कहीं ये है कि सोनाली बेंद्रे का कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो चुका है, और कीमोथेरेपी में इंसान काफी ज्यादा ही अपने आप में चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वो रेडिएशंस इतनी खतरनाक है कि इंसान के शरीर के सारे बाल अपने आप झड़ने लगते हैं। तभी सोनाली बेंद्रे ने भी अपने लंबे बालों को कटवा के खुद से उन्हें छोटा करवाया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहां पे फैंस ये दुआएं कर रहे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सोनाली बेंद्रे बेहद ही जल्द न्यूयॉर्क से भारत वापस लौटेंगी, तो आपको ये बता दें कि उन्हें वापस लौटने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर हम यही कहेंगे कि आप दुआएं करते रहें कि सोनाली बेंद्रे जो अपनी नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, कीमोथेरेपी पे उनका जो प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो इस जंग को जीत कर ही भारत वापस लौटे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।